हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो को आगाज़ करता है आगाज़ करता हूँ। काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बने ना, आगाज़ करता हूँ। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी हमने तैयारी कर ली है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन होने वाले हैं वीडियो अपलोड नहीं की। तो थोड़ा मैंने अपना वेट वो क्या कहते हैं कम किया ना, वेट लॉस थोड़ा किया ना, तो इसी वजह से जो है ना वीडियो नहीं बनाई। तो माशाल्लाह से अभी वो क्या कहते हैं ज़रा थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है, वेट कम हुआ है ना, तो इसी वजह से तकरीबन 8 किलो वेट कम हो गया 20 दिन में। तो वैसे तो माशाल्लाह सही है, सेहत होने वाला है 9 का। तो अभी बच्चों ने सब ने तैयारी कर ली है, कैसे जी कर लिया तैयारी आज बच्चों के कपड़े सिले हुए करा। तो ये देख सकते हैं आप पहले से कितना काफ़ी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काफ़ी वजन कम हो गया पहले से, ऐसा ना जी? तो 8 किलो इसका वजन कम हो गया तकरीबन। हाँ, 8 किलो। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो हमने नाश्ता भी बना लिया। अस्सलाम करो, सलाम, अभी हम जा रहे हैं। सलाम करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। हुरिया के कपड़े चेंज मैं ही करूँगी। हाँ, हुरिया तो कपड़े जो है ना ख़राब कर देती है, इसके बड़े बड़े फ्राक है ना, मैंने कहा वहाँ जाऊँगी ना फिर पहनाऊँगी। तो माशाल्लाह से आज मेरी जो सोनिया सिस्टर है ना उसका निकाह है, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और मेरे चैनल पर भी जाना है ज़रूर। तो पहले भी आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तआला साहब बहन भाई को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो अभी मैंने तैयारी दी, मैंने भी तैयारी नहीं की क्योंकि मैं जो कल मैं मेहंदी पर सूट पहना था ना वही पहना हुआ। तो मैंने कपड़े लेकर जा रही हूँ हुरिया की और अपनी तैयारी भी करूँगी क्योंकि अहमद और हसनैन और उसके अबू ने तैयारी कर ली है। तो अभी चलते हैं। अहमद गया हुआ है कपड़े लेने के लिए, मेरे कपड़े सिले ही नहीं हुए तो थोड़े से रह गए थे तो वो लेने के लिए गया है साथ। तो अभी आ जाते हैं तो हम जाते हैं। ये क्या पहन के आ गया तू? हैं क्या चीज़ें? क्यों शादी का प्रोग्राम है? हैं शादी करनी है? ये देख कितनी उम्र का है ये बैठा है सामने, 18 नहीं है, कितनी उम्र है तेरी? 22 साल ना? मेरी 21-22 साल। इसकी नहीं हुई अभी, तू 10 साल का है। तू 10 साल का भी हार पहन के आ गया है ना, ये सारे मेहरे बहन भाई आ गए हैं। तो मैंने कहा कि आपको इनसे भी मिलवा दूं। अब आप ये भी पूछेंगे कि आप जो है निकाह पे क्यों नहीं गए? भाई मैं निकाह पे गया था लेकिन वहाँ पर मेरी वीडियो अलाउ नहीं है बनाना, तो इसलिए कोई मजबूरी है, मैं नहीं बनाता उधर वीडियो। सही, अब मेरी बेगम साहब बनाती, इनको पता है। तो बाकी तो सर एक मुझे भी थोड़े से बोलने दे। तो मैंने पहली वीडियो में अपनी डेली रूटीन की वीडियो में भी बताया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सारी की सारी यूट्यूबर भी यानी शेयर नहीं कर सकते। ये हमारा आपस का मामला है, हम नहीं जा सके तो बस नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह ताला दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह वो अपनी खुशियां मनाते रहें। और आप लोगों ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह खुशियां कायम रखे। तो हम तो सिर्फ सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी जो है ना सबसे अच्छा सबसे ये जानने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला को पता है कि हमारे दिल कैसे हैं और लोगों के दिल कैसे हैं। हम माशाल्लाह नहीं जा सके देख सकते तो हम भी शामिल हो जाते हैं सिकंदर भाई के चैनल पर। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो सिस्टर ने बहुत अच्छी बातें की कि सबसे ज़्यादा जानने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते। हम तो वहाँ मौजूद थे, हमें तो इनविटेशन मिला था लेकिन हमारी सिस्टर नहीं जा सकी, ये वो बेहतर जानते हैं या उनके साथ जो रिश्तेदार बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं। क्यों बेगम साहिबा, आप कुछ फरमाएंगी इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी जो है ना बहन भाई इधर सारे आ जाए हुए हैं। हाँ। तो अम्मी मेरी भी इधर है, अबू मेरे भी इधर हैं, तो सारे इधर हैं। तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँ। क्यों नहीं अच्छी बात। माशाल्लाह से अभी असर का टाइम होने वाला है तो अभी नमाज पढ़िए। इधर मौली साहब आते हैं इब्राहिम के घर, तो उन्होंने जमात करवाई है, जो बच्चे कुरान में पढ़ते हैं ना जैसे हमारे पास शाम को आता है, तो इधर भी एक मौली साहब आते हैं। तो अभी नमाज़ पढ़ के तो मैं जा रहा हूँ हुरिया के पास। तो आज देखते हैं हुरिया ने कैसी तैयारी की है अपनी खाला के निकाह पे, तो आपको भी दिखाते हैं। तो बड़े बड़े फ्राक पहने हुए थे हुरिया ने और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो अभी माशाल्लाह से हम
बेगम साहब के पास पहुंच चुके हैं। तो थक गई हूं आज, मुझे जो है ना, तो हुरिया ने ना ये तीसरा फ्राक मेरे ख्याल में चेंज किया है, दूसरा दूसरा पहना है, दूसरा पहले तो और पहना हुआ था काला, जो और पहना हुआ था तो मैंने कहा वो बड़ा है ना, नीचे मट्टी है ना, मट्टी लग जाती तो गिर जाती थी, तो अभी मैंने ये छोटा सा फ्राक पहनाया है हुरिया को, तो अभी शाम को और पहनेगी। अब सलाम करो हुरिया, सलाम करो, सलाम तो करो हुरिया, आपकी वीडियो है, सलाम करो, आपकी वीडियो है हुरिया। अरे ये क्या क्या लगाया है ये मुझे पता नहीं है किसी ने लगाया है मुझे, मैं तो वहाँ सोनिया के साथ गई थी पार्लर पर, टिक्का लगाया है माथे पे तो मैं आई हूँ नूरिया की तैयारी हो गई थी, जब मैं आई हूँ ना सोनिया के साथ वापस, तो पार्लर से तैयार होकर तो इसकी तैयारी हो चुकी थी, ये मुझे पता नहीं है मेरी खाला आई हुई थी उन्होंने तैयार किया है या मेरी इसकी नानी ने किया है या इसकी खाला ने किया, ये मुझे पता नहीं है। हाँ मियाँ साहब थक के दबा दे सारे, थक तो बहुत गए होंगे, बहुत ज़्यादा थक गए, मेहमान आया काफ़ी सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है ना सही भी हो गया सब कुछ, सब मेहमान बहुत बहुत खुशी से गए हैं, तो काफ़ी सारे आए हैं यूट्यूबर के बगैर भी काफ़ी सारे आए थे, सही वो असगर भाई भी आया सही। वैसे अभी जो है ना हम सासू माँ के पास पहुँच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा कि आप तो लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप निकाह पे शायद नहीं है, तो मैं निकाह इधर पे इधर ही हूँ मैं सुबह जी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आपको कि आपकी बेटी का निकाह हो गया है, तो मैंने कहा सासू माँ को जो है ना खुशी हुई आपने रिश्ता सीख दिया, हाँ अपनों में रिश्ता हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी, बहुत ज़्यादा खुश है सब लोग, अल्लाह से नसीब करे, आमीन, अल्लाह ताला हर किसी के नसीब अच्छे करे जितने भी हैं, हर माँ बाप के जो है ना बेटियां बेटों को दुआ होती है जो सलामत रखे बेटा को नसीब अच्छे, हाँ बेटों के बच्चे चल रहे, खुश है ये दा हूँ, खुश है जी, खुश है बहुत ज़्यादा खुश है, अच्छा तारे बात खुश है, अल्लाह से ताकत जिंदगी दे, लंबी आमीन, सियात दे बस, हुरिया 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 तो इनकी जान है, इनके पास ही रहती है अक्सर, तो हुरिया माशाल्लाह से आज जो है ना, आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ, जो अहमद हसनैन है ना मेरे अब्बू को इतने भी वो प्यार नहीं करते थे, जो हुरिया है ना पता नहीं उसे क्यों बेटे जाने चला, सोनिया और हुरिया तो मैं तो बड़ी हूँ सोनिया से भी ज्यादा हुरिया को प्यार करते है, मेरे अबू जो है कभी हमारे घर पहले ये हसनैन और अहमद होते थे ना तो इतना नहीं आते थे, लेकिन जब से हुरिया पैदा हुई है ना हुरिया के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, जब भी जाता है ना बिस्किट वगैरह हो तो कुछ भी हो तो लेकर हुरिया के लिए जरूर जाता है, हुरिया को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो क्योंकि इनके घर ही रही है ना अक्सर जो है ना मैं जॉब पर चली जाती हूँ ना तो इनके घर ही रहती है हुरिया जी, से सारा इंतजाम अच्छे से हो गया, रोटी भी निकाह भी माशाल्लाह से सारा कुछ अच्छा हो गया है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है हमें, तो अल्लाह ताला सलामत रखे दोनों को, हमारी दुआ है जी जी आमीन, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बहन को सेहत दे और लंबी जिंदगी दे और उसके नसीब अच्छे हों, बस सब प्यारे बहन आप सब प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, नसीब अच्छे, जा रहा हूँ अपने आप ही के घर, तो मेरी मोटरसाइकिल उधर बाहर खड़ी है, तो आज बेगम साहब कहती है जा तो नहीं सकते क्योंकि इधर रात को प्रोग्राम है इनका, तो फिर जो है ना भी कल जाएंगे सुबह, तो इसलिए मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल को जो है ना अंदर खड़ी कर दूं, वो बाहर ना खड़ा रहे, तो माशाल्लाह से अब मैं जो है ना आपी के घर इधर आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रात का वक्त है, आप ही इधर पीछे है, मैं हूँ वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा शायद किसी से बात कर नहीं, मैं यहाँ पर सोया हुआ था, मैंने कहा कि तो अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं, तो अभी आप ही बना रही हैं सेवियाँ, तो अभी सेवियाँ आज खाएंगे, तो वो कहती है रोटी आज नहीं पकानी, आज सेवियाँ खानी है, बच्चों को थोड़ा सा जो दनान उसको थोड़ा सा बुखार आ गया, तो वो कहते हैं सेवियाँ बनाओ, तो अभी सेवियाँ बना रही हैं, तो भैंस का दूध निकाला है तो वो सारा सेवियों में डालेंगे, दूध वाली सेवियाँ वो बनाएंगे, तो वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी चैनल पे हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।